let's start with the next question, that is question number 11 on page number 121. Account of a school. अगर आपको याद रहेगा तो फर्स्ट लेक्चर में ना मैंने किसी चीज के ऊपर है ना बोला था, ऐसा स्टार मार करके बोला था कि स्कूल एंड कॉलेज रहेगा ना तो इसको रेवेन्यू कंसिडर करने का. क्या किसी को याद है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ? कुछ तो एक चीज था जिसमें मैंने बताया था कि अगर स्कूल एंड कॉलेज रहेगा तो इसमें ये जो चीज है ये स्टार मार्क है. अगर तुम लोग अपना नोटबुक में भी जाके चेक करोगे, वेरी गुड आदित्य आमरे, वेरी गुड विजेता, देखो परफेक्ट आंसर बोला है लोग ने, एडमिशन फीस. सिर्फ फीस नहीं कृति का, एडमिशन फीस. ठीक है, तो अभी ये क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना, समझना क्या हो रहा है. ठीक है, थोड़ा डिफरेंट वेराइटी ऑफ सम है, इट इज नॉट दैट सिंपल. मतलब है सिंपल, लेकिन सिंस यू आर अटेम्प्टिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, तुमको थोड़ा अलग लग सकता है. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अकाउंट ऑफ अ स्कूल फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल. ठीक है, बर्सी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. तो यू नीड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड ऑल्सो यू नीड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. अभी हमको दिया क्या है क्वेश्चन में देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, फर्स्ट टू लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा उसके बाद ये फर्स्ट टाइम ऐसा आ रहा है कि हमको एक बैलेंस शीट दे के रखा है. ठीक है, क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया हुआ है. ये बैलेंस शीट में देखो यहाँ पर हमको कैपिटल फंड दे के रखा है. ठीक है, तो बैलेंस शीट है, इसको बोला जाता है ओल्ड बैलेंस शीट. ठीक है, मतलब उन लोग का बैलेंस शीट है, तो उन लोग ने हमको एक बैलेंस शीट दिया है एंड दे हैव गिवन अस रिसीट एंड पेमेंट का कुछ आइटम. अभी देखो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये जो रिसीट एंड पेमेंट है ये साल का एंड है एंड ये जो बैलेंस शीट है ना ये साल का शुरुआत है, ये स्टार्ट है एंड रिसीट एंड पेमेंट एंड है. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर कैश इन एंड कैश एट बैंक है. क्या सबको कैश इन एंड कैश एट बैंक दिख रहा है? क्या तुम लोग को मेरा माउस का कर्सर उधर घूमते हुए दिखाई दे रहा है कैश इन एंड कैश एट बैंक? देखो ये जो कैश इन एंड कैश एट बैंक है 6,000-10,000, यही मेरा रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस है. देखो 6,000-10,000, देखो मैं लाइन मार लेता हूँ तुम्हारे, क्या तुमको दिखाई दिया? तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट का जो ये वैल्यूज है वही यहाँ पर है. एंड अगर तुमको याद है तो ये जो ओपनिंग बैलेंसेस जो रहता है कैश एंड बैंक का, क्या हम ये ओपनिंग बैलेंस लेते हैं क्या कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस? नहीं, हम उसको नहीं लेते सर, हम उसको इग्नोर करते हैं. ठीक है, तो ये सब में भी हम इग्नोर ही करेंगे, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऐसा दिया हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस शीट है, नीचे हमको दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. तो अभी देखते हैं जरा नीचे एडजस्टमेंट में क्या क्या देखे रखा. एडजस्टमेंट के नाम पे देर आर ओनली 3 एडजस्टमेंट्स. ठीक है, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000. तो ये है मेरा सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब हम करेंगे एड टू सैलरी एंड हम लिखेंगे इसको लायबिलिटी में बिकॉज इट इज माय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. एडजस्टमेंट नंबर 2 आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस. तो ये ट्यूशन फीस यहाँ पर है, तो ये आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस हम ऐड करेंगे ट्यूशन फीस में एंड हम इसको लिखेंगे असेट्स में. क्यों असेट्स में? बिकॉज इट इज माय आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब दिस अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर. एंड पॉइंट नंबर 3 बोल रहे डेप्रिसिएट लाइब्रेरी बुक्स 9,000, फर्नीचर 10,000. देखो देखो यहाँ पर ये देखो फर्नीचर है. ठीक है, यहाँ पर भी फर्नीचर है एंड अगर यहाँ पर भी लाइब्रेरी बुक्स है एंड अगर हम लोग ऊपर का बैलेंस शीट देखेंगे ना तो यहाँ पर भी देखो फर्नीचर है, यहाँ पर भी लाइब्रेरी बुक्स है. अभी जब आप ऐसा दोनों दोनों देखोगे ना तो आपको लगेगा ये क्या है यार, यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है. इसका मतलब ये है, ठीक है, ये जो है ना मेरा, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट है. ठीक है, ये मेरा साल का स्टार्ट है. फिर ये जो रिसीट एंड पेमेंट है ना, ये साल में हुएला सारा ट्रांजेक्शन है. मतलब जब मेरा साल शुरू हुआ था तभी मेरे पास 72,000 रुपीज का फर्नीचर था. ठीक है, देखो यहाँ पर जो दिया ना 72,000 का फर्नीचर था, साल के शुरुआत में 45,000 का लाइब्रेरी बुक्स था. फिर साल ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या किया, वी हैव परचेस्ड एडिशनल फर्नीचर ऑफ 50,000, वी हैव परचेस्ड एडिशनल लाइब्रेरी बुक्स ऑफ 14,000. दिस इज ड्यूरिंग दैट ईयर. ठीक है, तो हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड हमको बनाना है बैलेंस शीट. ये जो है ना रिसीट एंड पेमेंट, इट इज माय कैश अकाउंट. ठीक है, आई रिपीट, ये मैं एवरी लेक्चर में आपको बोल रहा हूँ, ये जो रिसीट एंड पेमेंट है इट इज माय कैश अकाउंट, जो मुझे बता दे कि मेरे पास इनकम कितना आ रहा है एंड मेरे पास से खर्चे क्या क्या हो रहे हैं.
ठीक है, एंड यहाँ पर हमको एक बैलेंस शीट दे के रखा है जो हमको बता रहा है कि साल के शुरुआत में ये सब असेट्स मेरे पास था। मैंने जो अभी तक बोला क्या तुमको उतना समझ में, सम सॉल्व कैसे करना है वो मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन मैं जो बोल रहा था वो समझा क्या अभी तक सबको? ईपीएस थम्स अप, फटाफट 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 थम्स अप, ओके गुड। तो अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट हम बना देंगे, ठीक है। ये है मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कुछ इस तरह दिखेगा, एंड ये है मेरा बैलेंस शीट जो कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। जरा बना दो ना फटाफट एक एक पेज, फिर हम लोग ये सम सॉल्व करते हैं और तुमको समझ में आ जाएगा कि करना कैसे, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल सम तुमको एकदम आराम से आ जाएगा, ये मेरा तुमको गारंटी है। करो, लाइन मार के रेडी रख। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एडजस्टमेंट जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 9000 है, तो सैलरी इज माय एक्सपेंसेस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में जाके मैं लिख दूंगा टू सैलरीज, टू सैलरी, इनर कॉलम 90,000, उसमें मैं लिख दूंगा एड आउटस्टैंडिंग। तुम लोग भी साथ में लिख सकते हो, एड आउटस्टैंडिंग 9000, आउटर कॉलम 99,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकेंड इफेक्ट आएगा, इट इज माई लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटर कॉलम 9000 ऑन द लायबिलिटी साइड। विद दिस मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट कम टू एन एंड। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000। तो ट्यूशन फीस इज माई इनकम, ट्यूशन फीस इज माई इनकम, तो आई विल राइट इट ऑन द इनकम साइड। तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय ट्यूशन फीस, इनर कॉलम 90,000, उसमें लिख दूंगा एड आउटस्टैंडिंग 15,000, बाहर के कॉलम में 1,05,000। This outstanding tuition fees is my asset. I will write it on the asset side. Outstanding tuition fees 15,000 outer column. Okay, done, done, done. Next adjustment. Depreciate library books and furniture by 10,000. अभी time please, ठीक है? अभी सब लोग ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ। Depreciate क्या बोल रहे हो? Library books and furniture by 10,000. तो सबसे पहले मैं देखेगा कि मेरे पास opening balance of furniture कितना था। तो अगर आपको screen पे दिखाई दे रहा है तो मेरा opening balance of furniture was 72,000. फिर साल में the additional furniture that I purchased was 50,000 का। तो अभी इसको मैं प्रेजेंट कैसे करूंगा, देखो सब लोग ध्यान से देखना। तो मैं जाऊंगा मेरे असेट साइड में, असेट्स में मैं फर्स्ट लाइन में लिखूंगा फर्नीचर। पहले मैं लिखूंगा द ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर जो मुझे मिलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर इज 72,000। फिर मैं उसमें लिखूंगा एड परचेसेस या एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो कितना मैंने खरीदा ड्यूरिंग द ईयर, वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा मुझे रिसीट एंड पेमेंट में से। तो रिसीट एंड पेमेंट में से मैंने 50,000 का फर्नीचर परचेज किया है। तो 72,000 प्लस 50,000 गिव्स मी हाउ मच? तो 72,000 प्लस 50,000 गिव्स मी 1,22,000, एंड इसमें से मैं डिडक्ट करूंगा लेस डेप्रिसिएशन जिसका वैल्यू मुझे डायरेक्टली दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है 9,000, तो इसमें से हो जाएगा 9,000 माइनस, एंड बाहर मेरा वैल्यू आएगा 122 माइनस 9,000, दैट कम्स टू 1,13,000। ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट मैं लिख दूंगा एक्सपेंडिचर साइड में। यहां लिख दूंगा मैं टू डेप्रिसिएशन
ऑन फर्नीचर 9000 इनर कॉलम, क्योंकि मेरे को मालूम है दो दो है तो मैं दोनों को साथ में लिख दूंगा। अभी फिलहाल इस पे आते हैं, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ कहाँ से है मैं वापिस एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। अभी मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसा तुमको चाहिए तो तुम लोग भी अपने अपने नोटबुक में बाद में लिख सकते हो। ये कहाँ से आया, ये 72,000 आया फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट। ये कहाँ से आया, ये मेरे को मिला फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट में मतलब उतना मैंने एडिशनल परचेज किया। एंड ये 9000 कहाँ से आया, ये 9000 मेरे को मिला फ्रॉम एडजस्टमेंट। क्या सबको समझ में आया जो मैंने बोला वो, ठीक है। बुक में देखते रहो 72,000 ऊपर वाला बैलेंस शीट से तो ओपनिंग दिया है, 50,000 हमने खरीदा है इसके लिए तो वो पेमेंट में दिख रहा है हमको, एंड 9,000 वाला तो अपना डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट ही था। सबको समझा गया, इफ यस थम्स अप जल्दी फास्ट फटाफट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ठीक है। चलो अगर तुमको ये समझा, अगर तुमको ये समझ में आ गया कि हाँ सर ये मालूम पड़ गया आपको, तो एक काम करो जरा खुद है ना ऐसा सोचो, खाली सोचो कि ये जो नेक्स्ट है फर्नीचर किसका हम क्या करेंगे। अरे एक मिनट, गड़बड़। देखो हम लोग कर रहे थे फर्नीचर का, एक मिनट, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन इज 10,000, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 10,000 है, हमने गलती से ना 9 लिया हुआ है, तो इसको हम कर देंगे 10,000, यहाँ पर लिख देंगे 1,12,000, एंड यहाँ पर आएगा 10,000, ठीक है। चलो अभी तुमको अगर ये फर्नीचर का समझ में आ गया ना तो लाइब्रेरी बुक्स का अपन कैसे करेंगे, तुम लोग मेरे को हेल्प करो। चलो तुम लोग मेरे को हेल्प करो, लाइब्रेरी बुक्स पहले क्या लिखने का, चैट बॉक्स में डालो तुम्हारे हिसाब से क्या लिखने का, पहले लाइब्रेरी बुक्स में क्या वैल्यू लिखने का, 45 लिखने का कि 14 लिखने का, बोलो 45 की 14, लाइब्रेरी बुक्स में 45,000 लिखने का कि 14 लिखने का, परफेक्ट आंसर। तो सर लाइब्रेरी बुक्स में आप पहला लिखो 45,000 बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग बैलेंस, ठीक है। तो अभी मेरे पास इधर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिखता हूँ, तो लाइब्रेरी बुक्स 45,000, फिर उसके बाद जो मैंने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कितना परचेज किया मैंने ड्यूरिंग द ईयर, 14,000 का लाइब्रेरी बुक्स मैंने और खरीदा, ठीक है। तो 45 + 14 गिव्स मी 59, तो 59,000 का मेरा लाइब्रेरी बुक्स हो गया। उसमें से मैं डिडक्ट करूंगा लेस डेप्रिसिएशन 9,000, तो बाहर के कॉलम में आएगा 50,000 रुपीज। एंड ये जो लाइब्रेरी बुक्स का मेरा डेप्रिसिएशन है इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ लिख दूंगा मैं, लाइब्रेरी बुक्स 9,000, बाहर के कॉलम में 19,000, एंड विथ दिस मेरा वो थर्ड एडजस्टमेंट कम्स टू एन एंड। आई होप ईच एंड एवरी स्टूडेंट को है ना वो एडजस्टमेंट समझ में आया कि मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। ये फर्नीचर एंड लाइब्रेरी बुक्स, क्या सबको समझ में आया फर्नीचर एंड लाइब्रेरी बुक्स का कैसे करने का। तो इनकेस इफ यू हैव अ डिफरेंट कलर पेन जो तुम्हारे पास होना चाहिए तो यू कैन राइट इट डाउन कि कौन सा वैल्यू कहाँ से आया। लाइब्रेरी बुक्स के लिए भी सेम, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये आया बैलेंस शीट से, ये फर्स्ट वैल्यू है ये आया बैलेंस शीट से। फिर उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है ये आया रिसीट एंड पेमेंट से, सिमिलरली ये भी आया रिसीट एंड पेमेंट से। एंड जो डेप्रिसिएशन है फाइनल वैल्यू, वो डेप्रिसिएशन तो हमको एडजस्टमेंट में दिया था तो ये आया एडजस्टमेंट से, ये आया एडजस्टमेंट से, दैट्स इट, ठीक है। इफ यू हैव अ डिफरेंट कलर का पेन प्लीज राइट इट डाउन, आई एम गिविंग ऑल 10 मिनट्स टाइम, आराम से इसको लिख लो तुम्हारे हिसाब से तुमको जो भी लिखना है, बिकॉज ये बुक से तुम ही पढ़ेगा एग्जाम के पहले, तो जो भी लिखना है लिख के ले लो कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है वैल्यू, ताकि बाद में जब तुम इसको सॉल्व करेगा ना तो डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है लिख लो, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं। अभी हमको क्या करना है, एक बार हम लोग का ये एडजस्टमेंट फिनिश हो गया तो हम लोग क्या करते थे, रिसीट एंड पेमेंट का सब बैलेंसेस लेते थे एंड उसको लिख डालते थे, लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे ये ओपनिंग बैलेंस शीट से, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से देखो एक एक आइटम, फर्स्ट आइटम कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड हम कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी में, तो कैपिटल फंड चलो उधर टेक्स्ट बुक में भी लिखो कैपिटल फंड क्या के लायबिलिटी, एंड बाद में यहाँ लायबिलिटी में जाके लिख डालो पहला आइटम
कैपिटल फंड, कैपिटल फंड वैल्यू है 6,43,000 इनर कॉल, तो कैपिटल फंड का मेरा वैल्यू लिख लिया मैंने। अभी असेट साइड में आओ, कैश इन एंड कैश एट बैंक, देखो ये वही वैल्यू है नीचे वाला, ये दोनों हो जाएगा इग्नोर। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा असेट है, बिल्डिंग, तो 4,50,000 का वी हैव बिल्डिंग, नीचे किधर भी बोला नहीं है बिल्डिंग बेचा है बोल के, तो इसका मतलब ये बिल्डिंग जो साल के शुरुआत में था वो साल के एंड में भी रहेगा, तो साल के एंड में भी रहेगा, तो यहाँ पर असेट में जाके लिख दो बिल्डिंग एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 4,50,000 रुपीज। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग है ये मेरा जाएगा असेट्स में, फर्नीचर असेट, लाइब्रेरी असेट विच इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, कि वो आ गया हमारे एडजस्टमेंट के अंदर ही। नेक्स्ट कंप्यूटर लेबोरेटरी, देखो ना असेट में ही है ना, तो उठा के लिख डालो असेट में, तो कंप्यूटर कंप्यूटर लेबोरेटरी एंड द वैल्यू इज 60,000 रुपीज असेट में, तो मेरा ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है इसके अंदर जो जो आइटम है सबका मैंने काम खत्म कर दिया है। अभी आते हैं रिसीट एंड पेमेंट में, अभी बहुत इजी है रिसीट एंड पेमेंट। ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट में चलो एक बार हम लोग डिसाइड कर देते हैं कौन सा किधर जाएगा। बोलो ये फर्स्ट टू आइटम ये जाएगा इग्नोर, तो भूल जाओ ये नीचे हमको। ट्यूशन फीस इनकम जो हमने ऑलरेडी लिख दिया, टर्म फीस इनकम जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया, एडमिशन फीस बोलो क्या करने का, मैं रुका हूं, ठीक है, मेरे को सबका आंसर चाहिए इस पर, एडमिशन फीस क्या करने का बताओ। तो ये जो एडमिशन फीस है इसको हम लिखेंगे इनकम में, वाई इनकम में, बिकॉज सर ये हम स्कूल का कर रहे हैं, अगर ये स्कूल के अलावा दूसरा कुछ भी होता ठीक है तो ये एडमिशन फीस को हम कैपिटल फंड में जाके ऐड कर डालते, लेकिन ये स्कूल है इसलिए हम एडमिशन फीस को अलग से लिखेंगे इनकम में। नेक्स्ट डोनेशन, अगर आपको याद रहेगा तो लास्ट क्लास में ना जब मैं डोनेशन का कर रहा था तो मैं बोला देखो ये रेवेन्यू डोनेशन है नॉर्मल ऐसा है, मैं बोला बाद में आगे जाके तुमको मिलेगा, देखो आ गया। इधर डोनेशन ब्रैकेट में क्या दिया, देखो कैपिटल, मतलब एक कैपिटल रिसीट है, मतलब एक कैपिटल इनकम है, तो कैपिटल इनकम जब भी रहेगा हम उसको करते हैं कैपिटल फंड में जाके ऐड, तो ये जो कैपिटल डोनेशन है इसको हम कैपिटल फंड में जाके ऐड करेंगे। अगर ये कैपिटल के बदले यहाँ पर है ना ब्रैकेट में अगर रेवेन्यू लिखा होता ठीक है तो हम इसको इनकम में लिखते। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज माय इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट्स देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है रेवेन्यू तो इसको हम लिखेंगे इनकम में, सन्ड्री रिसीट इज माय इनकम, पेमेंट साइड सैलरी तो सैलरी हो चुका है इट इज माय एक्सपेंडिचर, लाइब्रेरी बुक्स जा चुका है मेरे असेट में ऑलरेडी, ऑफिस रेंट एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, सन्ड्री एक्सपेंस इज एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस इज अगेन एक्सपेंडिचर, फर्नीचर हो गया ठीक हो चुका है उसमें, रिपेयर्स एक्सपेंडिचर यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स, ठीक है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन एंड कैश एट बैंक विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय असेट। तुमको समझ में आया कैसे करना है, मतलब जब भी तुमको ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा ना तो जब तुम सबका बैलेंसेस लिखते रहेगा तुमको ओल्ड बैलेंस शीट से चालू करना पड़ेगा, तो अभी हमको सिर्फ देख देख के लिखना है ठीक है, तो हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बैलेंस शीट वाला सब हो गया तो अभी रिसीट एंड पेमेंट क्या है आप लोग साथ में लिख सकते हो, टर्म फीस 3,000, तो चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम साइड में यहां पर मैं लिख दूंगा बाय टर्म फीस, टर्म फीस वैल्यू इज 3,000 रुपीज, टर्म फीस 3,000। नेक्स्ट है एडमिशन फीस बाय एडमिशन फीस 12,000 रुपीज। नेक्स्ट डोनेशन, ये डोनेशन कैपिटल डोनेशन है तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे ऐड डोनेशन 61,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अगेन माय इनकम बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड वैल्यू 2,000 रुपीज। नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट अगेन माय इनकम तो बाय
by government grant and value is 1,20,000 rupees. Next sundry receipts by sundry receipts 11,000. तो मेरा जो ये इनकम साइड है रिसीट साइड है ये हो चुका है कंप्लीट. मैं जा रहा हूँ पेमेंट की ओर. आई होप हम साथ साथ है ठीक है. तो पेमेंट में है ऑफिस रेंट. तो लिख दो टू ऑफिस रेंट. ऑफिस रेंट एंड द वैल्यू ऑफ दैट ऑफिस रेंट इज 10,000 रुपीज. नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. टू टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000 रुपीज. टू सन्ड्री एक्सपेंस वैल्यू ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस 12,000 रुपीज. नेक्स्ट है इंश्योरेंस. तो टू इंश्योरेंस 10,200. नेक्स्ट है टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 8,000 रुपीज. नेक्स्ट एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस 9,000 एंड बाद में रिपेयर्स 15,000. रिपेयर्स है 15,000 रुपीज का. नेक्स्ट कैश इन एंड कैश एट बैंक जो मेरे असेट में जाएगा. कैश इन हैंड कैश एट बैंक कैश इन एंड 4,800 एंड कैश एट बैंक 17,000 रुपीज. तो इसके साथ मेरा रिसीट एंड पेमेंट में जो भी था वो सबको मैंने लिख लिया है रिस्पेक्टिव जगहों में. वेरी सिंपल. ये होने के बाद मुझे लास्ट में करना पड़ेगा इसका कैलकुलेशन कि मेरा सरप्लस आ रहा है कि मेरा डेफिसिट आ रहा है ठीक है. मैं तुमको 15 मिनट्स का टाइम देता हूँ. ये सम कंप्लीट करके दो मेरे को. सरप्लस आ रहा है डेफिसिट आ रहा है क्या आ रहा है ना कंप्लीट करके दो. आई एम गिविंग यू 15 मिनट का टाइम. ईच एंड एवरी स्टूडेंट फिनिश दिस सम ऑफ ठीक है. तो अगर तुम लोग ने इसको सही से सॉल्व किया है तो दिस शुड बी योर आंसर. क्या सबको आंसर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? अरे आंसर दिख रहा है क्या? हाँ तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देते यार. हाँ वेरी गुड. तो आंसर दिखाई दे रहा है. तो ये देखो ये अपना सरप्लस है. इतना तुम्हारा सरप्लस आना चाहिए एंड ये सरप्लस को तुम ऐड करेगा तो तुम्हारा बैलेंस शीट ये अमाउंट पे टैली होना चाहिए. अगर तुम्हारा ये आ गया तो इसका मतलब तुमने आंसर करेक्टली सॉल्व किया है. ओ कितना छोटा हो गया एक मिनट ठीक है. तो ये तुम्हारा बैलेंस शीट कुछ इस तरह दिखना चाहिए. आई होप सबको ये आंसर राइट आया होगा ठीक है. आया राइट आया? कितने लोगों को राइट आया? करेक्ट आया जरा. वेरी गुड ठीक है. So let's start with question number 18, the most important sum from your board examination point of view. अभी क्या बोल रहा देखो. Let's read. From the following receipt and payment account of Gaurav Patil Polytechnic College, Nagpur. ठीक है. For the year ended 31st March 2019, additional information. Prepare income and expenditure account and balance sheet. मतलब तुमको income and expenditure भी बनाना है. बैलेंस शीट भी बनाना है. एंड अगर तुम लोगों ने यहाँ पर वर्ड नोट किया है कि ये कॉलेज है तो कॉलेज है तो हमको इतना मालूम है कि एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस फॉर कॉलेज इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है. नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू इनकम. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है.
तो रिसीट एंड पेमेंट में यहाँ पर मेरे को दिया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक, ये मैं कर दूंगा इग्नोर, ये मुझे नहीं चाहिए। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मुझे देके रखा है तो इंटरेस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय इनकम। डोनेशन इनकम, ट्यूशन फीस इनकम, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडमिशन फीस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज इनकम। व्हाई इनकम? बिकॉज सर ये कॉलेज है। टर्म फीस इनकम, ड्रामा रिसीट्स इनकम, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल इनकम, लेगेसीज ब्रैकेट में दिया है कैपिटल, इसका मतलब ये होगा एड टू कैपिटल फंड, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय लायबिलिटी। पेमेंट साइड में क्या क्या दिया हुआ है? पेमेंट में दिया है सैलरी टू टीचिंग स्टाफ एक्सपेंडिचर, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, ठीक है, बुक्स असेट, फर्नीचर असेट। देखो यहाँ पर एक डेट दिया हुआ है, इट वॉज परचेस्ड ऑन 1st January 2019, मतलब अगर डेप्रिसिएशन रहेगा तो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फॉर दैट पीरियड। ड्रामा एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, पोस्टेज एक्सपेंडिचर, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, मैगजीन्स एक्सपेंडिचर, एंड जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक है दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय असेट्स। कितने लोग का इधर तक राइट है? इधर तक बराबर किया था सर हमने, आपने जो भी किया है इधर तक हमने भी करेक्ट ही किया है, खाली एक इधर उधर शायद रॉन्ग हो सकते हैं, बाकी तो हमने बराबर ही किया। कितने लोग का? वेरी गुड। अभी आते हैं आगे। अभी देखो ये जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी सब से। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो हमको क्या क्या दिया है। यहाँ पर हमको बुक्स का दिया हुआ है, ये है बुक्स का ओपनिंग बैलेंस एंड ये है बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस वो बैलेंस होता है जो तुम्हारा आउटर कॉलम में आना चाहिए। देखो हम लोग दो बनाते हैं राइट, बैलेंस शीट जब भी हम बनाते हैं तो देर आर टू कॉलम्स, एक इनर कॉलम होता है एक आउटर कॉलम होता है। तो ये जो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है ना, दैट इज योर बैलेंस ऑन 31st March 2009, ये बाहर के कॉलम में आना चाहिए। अभी मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है कि अगर तुम देखोगे तो देखो 9 लाख रुपए का बुक्स स्टार्टिंग में था, फिर अगर तुमने सम ध्यान से पढ़ा है तो सम में भी हमने कुछ बुक्स खरीदे थे, ये दिख रहा है इधर, सम में भी हमने 88,000 का बुक्स खरीदा था, तो 9 लाख पहले से था, फिर 88,000 का हमने और बुक्स खरीदा, तो इसका मतलब जो टोटल बुक्स हमारे पास था वो था 9,88,000 रुपीज का। लेकिन वो बोल रहा जो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है वो 8,88,000 आना चाहिए, तो बचा हुआ 1 लाख गया कहां पर? कोई बता सकता है 1 लाख किधर उड़ गया? सर स्टार्टिंग में हमारे पास था 9 लाख, बराबर, हमने साल के बीच में खरीदा 88,000, तो हमारे पास 9,88,000 का पूरा साल भर में बुक था, लेकिन लास्ट में लोग बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा बार के कॉलम में आना चाहिए वो 8,88,000 ही आना चाहिए, तो जो 1 लाख है वो गया कहाँ पर? परफेक्ट आंसर। तो बहुत लोगों ने दिया है सर वो जो 1 लाख गया ना वो है हमारा डेप्रिसिएशन। अभी हम श्योर कि बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जब हम उसका वर्किंग करेंगे ना, जब हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तभी तुमको क्लियरली मालूम पड़ेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है, तब तक के लिए सिर्फ शांति से सुनते रहो। नेक्स्ट क्या देखो, फर्नीचर, वो भी सेम। तो ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये सम का यही दो एडजस्टमेंट है जिसमें स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं, और इसी को तुमको करना है स्टार मार्क। आगे बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड है 8,27,000, ये ओपनिंग बैलेंस है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मतलब वो बोल रहा है कि जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वो तू ढूंढ, मतलब हमको ढूंढना है। कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन मार्क, बराबर ना, क्लोजिंग बैलेंस तो हम ढूंढते हैं, उसमें डेफिसिट रहेगा तो माइनस होता है, सरप्लस रहेगा तो प्लस होता है, वो लेगेसी ऐड होगा, तो ऐसा प्लस माइनस होने के बाद जो बाहर के कॉलम में लिखा जाता है वो हम ढूंढते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर टू क्या बोल रहा है, देखो एडजस्टमेंट नंबर टू बोल रहा है 60% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। बोलते हैं जो तुमको डोनेशन मिला है ना ऊपर, इसका 60%, मतलब 4,20,000 का जो डोनेशन है वो डोनेशन किसके लिए? बिल्डिंग फंड के लिए। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, डोनेशन है ना दो प्रकार का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन,
एक होता है जनरल डोनेशन एंड दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब क्या है, मैंने तुमको पैसा दे दिया, डोनेशन कर दिया, तुमको जिसके लिए यूज करना है करो, दैट इज जनरल, दैट विल बी ट्रीटेड एज माय रेवेन्यू। लेकिन अगर स्पेसिफिक डोनेशन रहेगा ना तो इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल इन दिस केस ये क्या बोल रहा है कि जो 60% ऑफ डोनेशन है ये तुमको किसके लिए यूज करना है, बिल्डिंग के लिए यूज करना है, मतलब बिल्डिंग का कुछ खर्चा रहेगा, बिल्डिंग का कुछ रिपेयर रहेगा, तो वो बिल्डिंग का फंड के लिए ही तुमको यूज करना है, तो इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ माई लायबिलिटी। मतलब 60% ऑफ डोनेशन दैट इज 420,000 हम इस बिल्डिंग फंड में एड कर देंगे। तो इसका जब वर्किंग हम जब सॉल्व करेंगे ना, मैं चाहता हूँ कि सब लोग बहुत ध्यान से उसको देखें कि क्या हो रहा है, एकदम स्लो सिखाएगा, ठीक है। आज एक ही सम हुआ ना क्लास में तो भी इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज ये टाइप का क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार, और एग्जाम में भी है ना लोग यही ऐसे ही पूछते हैं, क्योंकि आधा ऐसा क्वेश्चन मार्क देंगे, आधा देंगे बोलेंगे करो सॉल्व, एंड स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है जबकि बहुत ईजी है, ठीक है। फाइनल क्या बोल रहा है देखो, आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी 70,000, तो ये जो हमारा ऑफिस सैलरी है ये आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी, सो इट इज अ वेरी सिंपल सम, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर इज ये एडजस्टमेंट। तो ये फोर एडजस्टमेंट्स का आप ध्यान रखना, ये फोर एडजस्टमेंट्स अगर आपने ध्यान से कर दिया तो समझ जाओ तुम्हारा ये सम हो गया, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू ऑल एक 10 मिनट्स का टाइम, जरा लाइन मार के रेडी करो ना। दो चीज हमको बनाना है, देखो मेरा ऑलरेडी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ कौन था पॉलिटेक्निक जो भी था वो, फिर उसके बाद यहाँ पर बैलेंस शीट, ठीक है। तुम लोग बना के रेडी करो, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, फिर हम लोग इसको साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। कर लो फटाफट, चलो। तो लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स, ठीक है। मैं पहले मैं करूंगा, फिर उसके बाद तुम्हारे पास डिफरेंट कलर का पेन वेन रहेगा ना तो मैं बताऊंगा, तो वैसे ही लिखना, ठीक है, घाई मत करो प्लीज। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, बुक्स वाला। तो बुक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 9 लाख रुपीज, तो मैं आऊंगा मेरे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में असेट्स में लिखूंगा बुक्स, तुम लोग मत लिखो, बुक्स इनर कॉलम 9 लाख रुपीज, ठीक है। ये है मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ बुक्स। फिर उसके बाद मैंने कुछ बुक्स है ना परचेज किए थे, वो कहाँ से मालूम पड़ेगा, वो यहाँ से मालूम पड़ेगा, देखो ये येल्लो येल्लो, कि मैंने और बुक्स खरीदा था 88,000 रुपीज का। तो अगर मैंने बुक्स परचेज किया है तो यहाँ पर होएगा एड परचेस्ड, एड परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, एड परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर 88,000 का और बुक्स खरीदा है, तो 9 लाख एंड नीचे 88 गिव्स मी 9,88,000। तो 9,88,000 का एक्चुअल में मेरा बैलेंस था, लेकिन 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 वो क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो क्लोजिंग बैलेंस है बुक्स का, क्लोजिंग बैलेंस बुक्स का कितना होना चाहिए, 8,88,000 होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा बाहर के कॉलम में जब तुम बुक्स का वैल्यू लिखोगे तो वो 8,88,000 होना चाहिए। तो अगर मेरा क्लोजिंग बैलेंस 8,88,000 है तो ये जो 1 लाख में माइनस कर रहा हूं ये क्या चीज है, ये हो गया मेरा डेप्रिसिएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेस डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीज, प्लीज पुट दिस 1 लाख इन ब्रैकेट, जब भी आप लिखोगे तो 1 लाख ब्रैकेट में लिखने का। तो अभी ये जो डेप्रिसिएशन है, देखो यहाँ पर करके स्टूडेंट खुश हो जाता है, यस मैंने एग्जाम में स्पॉट कर लिया कि इधर डेप्रिसिएशन है, एंड फिर छोड़ देता है, अरे छोड़ना नहीं है, ये डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट हो गया, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट भी तो देना है। तो डेप्रिसिएशन का जो सेकेंड इफेक्ट है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके तुम लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स दैट इज 1 लाख रुपीज। आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में आया क्या मैंने क्या किया वो, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यस, जरा फटाफटा सब लोग फास्ट, ओके गुड। तो ये समझा, तो बढ़ते हैं आगे, रुको रुको तुम लोग लिखो मत, हम लोग दोनों करते हैं तो तुमको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा। अभी देखो फर्नीचर, अभी फर्नीचर का तुम अपने दिमाग में ही सोचो क्या क्या होना चाहिए। देखो फर्नीचर का ओपनिंग है 3,26,000, फिर इधर देखो तुमने एडिशनल फर्नीचर खरीदा 78,000 का, ठीक है। देखो फर्नीचर है 3,26,000,
फिर तुमने एडिशनल फर्नीचर खरीदा 78,000 का एंड बाहर के कॉलम में आना चाहिए 3 लाख, ठीक है। तो चलो फिर करते, सेम वे में करना है तुमको, एकदम सेम। तो यहां पर मैं लिखूंगा फर्नीचर, क्या वैल्यू था फर्नीचर का, 3,26,000। फिर उसके बाद एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कितना खरीदा है मैंने टोटल फर्नीचर, इधर खरीदा है 78,000 का, तो 78,000 का फर्नीचर खरीदा, तो 3,26,000 प्लस 78 कम्स टू हाउ मच, दैट कम्स टू 4,04,000 रुपीज। लेकिन लेकिन एक सेकेंड, फोर लैख फोर थाउजेंड रुपीज, लेकिन जो हमारा बाहर का बैलेंस है वो बाहर का बैलेंस कितना आना चाहिए बता रहे हो, बाहर का बैलेंस आना चाहिए 3,00,000 रुपया ओनली, तो बहार का बैलेंस इज 3 लैक्स ओनली। तो इसका मतलब ये जो 1,04,000 रुपीज गया ये किस चीज का गया, दिस इज डेप्रिसिएशन, तो लेस डेप्रिसिएशन 1,04,000 रुपीज। आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में आया इधर तक क्या हो रहा है, एवरीबडी? क्या मेरा सम यहाँ कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ, मेरे को डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट भी देना पड़ेगा, तो मैं यहां पर जाऊंगा और लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,04,000 रुपीज। देखो ये एक वे है लिखने का, यू कैन ऑल्सो राइट इट वो पहले वाले फॉर्म में, टू डेप्रिसिएशन ऑन, नेक्स्ट लाइन में बुक्स फर्नीचर, इनर कॉलम में वैल्यू, बाहर के कॉलम में उसका टोटल। आई होप ये सबको समझा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, मैं फिर बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। तो इनकेस अगर तुम्हारे पास एक डिफरेंट कलर का पेन हो ना, तो ये दोनों एडजस्टमेंट तुम वो डिफरेंट कलर का पेन में ही लिखो, तो मैं भी यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ रेड। तो तुम्हारे पास अगर डिफरेंट कलर का पेन है तो डिफरेंट कलर का पेन में जरूर लिखना, ठीक है, खास करके ये वाला पार्ट कि वो क्लोजिंग बैलेंस ऐसा क्यों दिखाया, तो वो जो क्लोजिंग बैलेंस लाने का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है तुम्हारा डेप्रिसिएशन, क्योंकि यही लोगों को नहीं समझता है क्या करने का। क्या मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आया क्या हो रहा है? अरे थम्सअप प्लीज, तुम थम्सअप दो, हाँ ना मत चिल्लाओ, थम्सअप दोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा स्टूडेंट को मालूम पड़ रहा क्या हो रहा है। ब्रिलियंट, सबको समझ में आया तो स्टार्ट राइटिंग, लिखो आराम से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर, जो इसी के अंदर है, बिल्डिंग फंड 8,27,000। तो बिल्डिंग फंड इज माय लायबिलिटी, ठीक है, बिल्डिंग फंड इज माय लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में यहां पर मैं लिखूंगा बिल्डिंग फंड, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग फंड इज 8,27,000। लेकिन ये बिल्डिंग फंड मेरे को नीचे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2, 60% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, तो हम लोग अब बी कर डालते हैं, जो डोनेशन है 7 लैक्स, ठीक है। तो डोनेशन में लिखूंगा यहाँ इनकम में, पहले ध्यान से देखना क्या हो रहा है फिर तुम लोग लिखो। तो इधर मैं लिखूंगा बाय डोनेशन 7 लैक्स, उसमें से हम करेंगे लेस, कितना परसेंट है बिल्डिंग फंड, 60% फॉर बिल्डिंग फंड, लेस 60% फॉर बिल्डिंग फंड। तो 60% मतलब 4,20,000 तुम्हारा बिल्डिंग फंड के लिए, तो 7 लैक्स में से 4,20,000 माइनस होएगा तो 2,80,000 बचेगा, बराबर। फिर ये जो है ये यहां पर ऐड हो जाएगा, ऐड डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 4,20,000 रुपीज, तो बाहर के कॉलम में आएगा 12,47,000, दिस इज माय टोटल बिल्डिंग फंड। क्लियर है सबको? ये इजी है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ डिफिकल्टी आना चाहिए, क्लियर, वेरी गुड। लिख लो बिल्डिंग फंड का। Mm-hmm.
तो बिल्डिंग फंड का एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है. नेक्स्ट है कैपिटल फंड 6,11,000. तो कैपिटल फंड इज द फर्स्ट आइटम. तो यहां पर मैं लिखूंगा कैपिटल फंड 6,11,000. कैपिटल फंड 6,11,000 इनर कॉलम. एडजस्टमेंट नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट. एडजस्टमेंट नंबर 3 आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी 70,000. तो अभी हम जाएंगे एक्सपेंडिचर में, वहां लिखेंगे टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ. तो ऑफिस स्टाफ का सैलरी कितना था? ऑफिस स्टाफ का सैलरी था 8,55,000. उसमें हम कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 70,000, 9,25,000. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर एक तो हमने कर दिया ऐड, एंड दूसरा इफेक्ट रहेगा हमारे लायबिलिटीज में. तो लायबिलिटी में जाओ, लायबिलिटी में लिख दो आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी. आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी 70,000. तो इसके साथ मेरा सारा एडजस्टमेंट्स जो दिया था इट कम्स टू एन एंड. तो जितना भी एडजस्टमेंट इसके अंदर था नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम पे वो मैंने कंप्लीट कर दिया है. एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे तो कुछ नहीं है ना? नहीं, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया. अभी मेरे को खाली ये जो ट्रायल बैलेंस है, नहीं नॉट ट्रायल बैलेंस, रिसीट एंड पेमेंट जो देके रखा है उसके अंदर का सब आइटम अपने अपने जगह पे लिखना है. तो तुम लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं लिखने का, मैं भी लिख देता हूँ. ठीक है, तुम लोग का भी बुक में देख देख के तुम लोग लिखो. इंटरेस्ट पहला वाला कैश एंड बैंक इग्नोर. नेक्स्ट इंटरेस्ट इज माई इनकम. तो इनकम में लिखो बाय इंटरेस्ट एंड द वैल्यू ऑफ दैट इंटरेस्ट इज 60,000 रुपीज. नेक्स्ट है डोनेशन, वो हो चुका है. नेक्स्ट है ट्यूशन फीस, बाय ट्यूशन फीस. ₹15,00,000. तुम लोगों ने नोट किया क्या ये जो क्वेश्चन है ना, इसका सब वैल्यू है ना, बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू है. फिर एडमिशन फीस, बाय एडमिशन फीस वैल्यू 65,000. एडमिशन फीस यहाँ क्यों आया? बिकॉज ये कॉलेज है. अगर ये कॉलेज नहीं होता तो एडमिशन फीस हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते. नेक्स्ट टर्म फीस, तो बाय टर्म फीस 4,00,000 रुपीज. नेक्स्ट ड्रामा रिसीट, तो बाय ड्रामा रिसीट 1,00,000 रुपया. नेक्स्ट रेंट फॉर हॉल, बाय रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल 6,000. नेक्स्ट लेगेसीज, लेगेसीज कैपिटल लिखा हुआ है तो डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड कर देने का. तो यहां ऐड लेगेसीज वैल्यू 60,000. ठीक है, बाहर नहीं लिखने का क्योंकि वो डेफिसिट या फिर सरप्लस उसमें से एक चीज बाकी रहेगा. नेक्स्ट पेमेंट साइड में, ठीक है तुम लोग भी लिखते जाओ, आई होप तुमको इसमें कोई डिफिकल्टी ना हो. बाय सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ, तो ये सब हो गया मेरा खर्चा. तो खर्चे में लिखूंगा टू सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ 15,00,000 रुपया. ऑफिस सैलरी, ऑफिस स्टाफ का सैलरी इज टेकन केयर. नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 27,000. नेक्स्ट बुक्स गया, फर्नीचर गया, वो सब असेट में हमने लिख दिया. नेक्स्ट ड्रामा एक्सपेंस, टू ड्रामा एक्सपेंसेस 90,000. नेक्स्ट आइटम पोस्टेज, तो टू पोस्टेज 7,000.
नेक्स्ट टेलीफोन चार्जेस, तो टू टेलीफोन चार्जेस, टू टेलीफोन चार्जेस 6000 रुपीज. नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, ₹61,000. नेक्स्ट मैगजीन एंड न्यूज पेपर, टू मैगजीन एंड न्यूज पेपर 6000 रुपया. नेक्स्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, ये जाएगा मेरे असेट में, तो असेट्स में चलो वहां लिखो कैश, नेक्स्ट लिखो बैंक, एंड दोनों का वैल्यू, कैश का वैल्यू 62,000 एंड बैंक का वैल्यू 3,23,000. तो इसके साथ मेरा सारा पोस्टिंग कम्स टू एन एंड. ठीक है, तुम लोग भी करो, आई एम वेटिंग. देखो मैं वापिस बता रहा हूँ, ये जो है ना बहुत बुक में इधर 6500 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग इसका टोटल करोगे ना तो तुमको ये टोटल नहीं आएगा. इफ यू कंसीडर इट टू बी 6500 तो प्रिंटिंग एरर है. अगर 6500 है तो उसको 6000 कर दो, ठीक है. अगर तुम उसको 6000 करोगे तो तुमको यही आंसर आएगा जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, दैट इज 31,03,000. ठीक है, अगर तुम लोग ने यहाँ तक लिख दिया ना तो इसको करो कंप्लीट, कंप्लीट करो और मेरे को बताओ क्या तुम्हारा सम टैली हो रहा है कि नहीं. ठीक है, कॉपी मत मारना, खुद से करो, खुद से करो, बड़ा बड़े नंबर है, खुद से टोटल मारो, देखो क्या तुम लोग इसको बराबर से कर सकते हो कि नहीं, फिर मैं डायरेक्टली तुम्हारे सामने आंसर डाल देता हूँ. तो फटाफट करो, 5 मिनट ले लो, चलो कर लो. तो तुम्हारा ये आंसर आना चाहिए, अगर तुम लोग इसको सॉल्व कर रहे हो तो दिस शुड बी योर आंसर. यहाँ पर डेफिसिट आएगा और 4,15,000, तो 4,15,000 का नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारा खर्चा ज्यादा है, हमारा इनकम कम है, तो ये डेफिसिट को हम कर देंगे यहाँ से माइनस, एंड मेरा बैलेंस शीट हो जाना चाहिए टैली एट 15,73,000 रुपीज. ठीक है, अगर तुमने नहीं किया है तो कंप्लीट कर दो. चलो वो सम हो गया, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे. क्वेश्चन नंबर 10 ऑन पेज नंबर 120, क्वेश्चन 10 पेज नंबर 120. ठीक है, सिमिलर टाइप्स जो अभी हमने किया, क्वेश्चन 10 पेज नंबर 120. आई एम गिविंग यू ऑल एक 10 मिनट्स का टाइम, तुम लोग एक पेंसिल लो एंड तुम लोग के हिसाब से कौन सा किधर जाएगा ना वो लिखो, कौन सा किधर जाएगा वो लिखो, एंड उसके बाद वी विल डिस्कस. ठीक है, बट ये करो, ये जो एक्सरसाइज में तुमको बोल रहा हूँ ना कि पेंसिल लो लिखो वीडियो रुका दो, तो एक करो, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हम लोग रुकेंगे बाद में देखेंगे, मत ये सब मत करना, करो पेंसिल लो लिखो तुम्हारे हिसाब से कौन सा किधर जाएगा. नीचे एडजस्टमेंट है, देखो अब भी किया हुआ जैसा ही है, बुक्स है, फर्नीचर है, ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, तो ढूंढो उसमें डेप्रिसिएशन कितना आना चाहिए, तुम खुद ढूंढो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होएगा, तुमको लगेगा यस मैं करेक्ट कर रहा. ठीक है, करो करो, चलो 10 मिनट टाइम करो फटाफट. सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है ये सम एंड हाउ वेल यू थिंक. ये तुम लोग ही करोगे सॉल्व, मैं नहीं कर रहा. ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव एंड पेमेंट ऑफ KBP इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2019 एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. मतलब दो चीज करना है तुमको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, एंड यहाँ पर हमको दिया हुआ है सम. तो जरा देखते हैं सम में बोल क्या रहा है. तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन एंड कैश एट बैंक इग्नोर, इंटरेस्ट सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट पढ़ के मुझे लग रहा है इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम है, लाइफ मेंबरशिप फीस हम हमेशा करते हैं कैपिटलाइज, तो एड टू कैपिटल फंड. अगर नीचे एडजस्टमेंट में कुछ अलग दिया है, कुछ है क्या इससे रिलेटेड, कुछ नहीं दिया है, वही बोल रहा है कि कैपिटलाइज करो, वेरी गुड. नेक्स्ट डोनेशन हम कंसिडर करेंगे उसको इनकम, ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, सन्ड्री रिसीट इनकम, एडमिशन फीस ये लोग ने ब्रैकेट में दिया हुआ है रेवेन्यू, तो इनकम. अगर रेवेन्यू नहीं भी दिया होता तो भी हम उसको इनकम ही कंसिडर करते, क्यों, क्योंकि ये एक कॉलेज है.
सैलरी टू टीचिंग स्टाफ एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर, बुक असेट, फर्नीचर असेट, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, फिक्स डिपॉजिट इज माई असेट, एंड कैश इन एंड कैश एट बैंक इज अगेन माई असेट. कितने लोग ने यहाँ तक ये रिसीट एंड पेमेंट का ये वाला पार्ट करेक्ट किया? करेक्ट है सर, यहाँ तक हमने परफेक्टली सॉल्व किया. ब्रिलियंट. तो बढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन की ओर. एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोलता है? बुक्स. एक ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है. अभी तुम बोले दोनों सेम सेम है. अरे सेम सेम नहीं, ऊपर बुक्स भी है देखो. ठीक है, तो तुम इसको बैलेंस शीट में कैसे लिखेगा? तब भी हमने सीखा था, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने प्रैक्टिस किया था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो मैं लिखूंगा यहाँ पर बुक्स. बुक्स कितना है? बुक्स है 6 लाख का. तो 6 लाख इन इनर कॉलम. फिर उसमें मैं कर दूंगा एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर. कितना परचेज किया मैंने बुक? 61,000. तो टोटल वैल्यू आएगा 6,61,000. लेकिन मेरे बाहर के कॉलम में वैल्यू कितना आना चाहिए? बाहर के कॉलम में 6 लाख ही आना चाहिए. तो इसका मतलब जो 61,000 का जो लेस हो रहा है, वो लेस इज माय डेप्रिसिएशन. कितने लोगों ने ये परफेक्ट कैलकुलेशन किया? कितने लोगों ने इसका कैलकुलेशन परफेक्ट किया? ब्रिलियंट. तो ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे. ठीक है, तो ये मेरा बुक्स का हो गया. सिमिलरली हम फर्नीचर का भी करेंगे. तो फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू है 3,19,000. उसमें हम करेंगे एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर. देखो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, प्लस नहीं लिखना होता है, एड लिखना होता है. तो 51,000 का फर्नीचर हमने खरीदा, तो 3,70,000 हो गया यहाँ पर. लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी होगा, क्योंकि फर्नीचर का जो बाहर का वैल्यू है वो 3 लाख ही आना चाहिए. तो इसका मतलब 70,000 रुपया का यहाँ पर डेप्रिसिएशन है. कितने लोग को ये भी करेक्ट आया? ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट आया सर. चलो वेरी गुड, इतने लोग को करेक्ट है, मतलब तुम लोग बहुत ध्यान से लेक्चर सुन रहे हो. तो ये हो गया मेरा दोनों एडजस्टमेंट. ये एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड ये एडजस्टमेंट नंबर 2. बिल्डिंग फंड, देखो बिल्डिंग फंड बोल रहे 10 लाख. और इधर देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट, 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रेडेड एज इनकम. मतलब ये जो डोनेशन है इसका 50% बिल्डिंग फंड है. मतलब 7 लाख का 50% 3,50,000. तो मेरा बिल्डिंग फंड रहेगा 10 लाख, उसमें ऐड हो जाएगा 3,50,000. एंड जो मेरा बाहर का कॉलम है वहां पर आएगा 13,50,000 रुपीज. क्लियर? वेरी सिंपल. नेक्स्ट देखो, ये एक नया आ गया यहाँ पर, फिक्स डिपॉजिट. ये असेट में जाता है मेरा. तो यहाँ पर तो 9,10,000 है. क्या हमने ये साल में कोई और नया फिक्स डिपॉजिट में कुछ किया है क्या? कुछ नया फिक्स डिपॉजिट परचेस किया है क्या? नया फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है क्या? इफ यस थम्स अप. हाँ सर, किया हुआ है फिक्स डिपॉजिट में. और किया हुआ है? किया हुआ है ना, देखो ना यहाँ पर है ना फिक्स डिपॉजिट 8,50,000 का. तो 9,10,000 प्लस हम लोग करेंगे 8,50,000. तो बाहर के कॉलम में हमारा वैल्यू आएगा 17,60,000 रुपीज. क्या ये क्लियर है सबको? सबको समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड. कैपिटल फंड तो हमको मालूम है क्या करना है. ठीक है, एन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम. तो हम लोग इसको कर देंगे एड टू सब्सक्रिप्शन एंड वी विल राइट इट ऑन द असेट साइड बिकॉज इट इज माई आउटस्टैंडिंग इनकम. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेना. एनी वन हैज एनी डाउट? क्लियर है? कर सकते हैं ये सम खुद से तुम लोग? कितने लोग कर सकते हैं खुद से सम? थम्स अप प्लीज. सेम पिछला सम था, एग्जैक्टली सेम. मतलब ये करोगे ना तो तुमको एक प्रैक्टिस होएगा कि अरे चल ऐसे ही करना है एग्जाम. ये करो, चलो कंप्लीट करो सम, कंप्लीट करो. देखो तुम लोग बराबर कर सकते हैं क्या. कंप्लीट कर दो फटाफट. मैं तुमको एक 15 मिनट का टाइम देता हूँ, खुद से कंप्लीट करो एंड चेक करो क्या तुमको यही सरप्लस और क्या यही बैलेंस शीट का वैल्यू आ रहा है क्या, जो टेक्स्ट बुक के नीचे दिया हुआ है. ठीक है, और 15 मिनट्स टाइम स्टार्ट्स नाउ.